दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान के कुछ ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आपको भी लगेगा भगवान सच में होते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और बाजू वाले बेल आइकन को ऑन करना ना भूले। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो 4 जुलाई 2021 को YouTube पर अपलोड किया गया था और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले का कहना है कि जब वो महादेव जी के दर्शन करने के लिए मंदिर जा रहा था तब उसने आसमानों में शिवलिंग को देखा और जिसे देखकर वो विश्वास भी नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से वो अपना मोबाइल निकाल कर रिकॉर्ड करने लगा और ये रहा वो वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने ये कहा कि बादलों से बना हुआ शिवलिंग के पीछे जो सूर्य की जो रोशनी गिर रही है जिसे देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये महादेव जी का चमत्कार है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये क्लाउड फेनोमिना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है अगर असुर गलत थे तो महादेव उन्हें वरदान क्यों देते थे, जैसे कि भस्मासुर और रावण और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्यों को भी वरदान दे दिया और क्यों शिवजी सब कुछ जानते हुए भी असुरों को वरदान देते थे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भगवान शिव जी को सब पूजा करते हैं, जैसे कि मानव भगवान और राक्षस भी, श्री राम और रावण भी महादेव जी को पूजते हैं और महादेव भगवान राम को भी और रावण को भी वरदान देते थे और महादेव ये भी नहीं देखते थे कि ये भगवान है या फिर असुर। जो भी उन्हें सच्चे मन से तपस्या करता था वो उन्हें वरदान देते थे और इसलिए महादेव जी को भोलेनाथ कहते हैं और महादेव भक्तों के पुराने गलतियों को भी भुलाकर एक और मौका देते हैं और इसीलिए देवताओं के साथ साथ असुरों को भी वरदान देते थे। और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों ये वीडियो श्री जगन्नाथ जी के जन्मदिन के वक्त रिकॉर्ड किया गया था और ये वीडियो ओडिशा का है और इस वीडियो में कई सारे भक्त मिलकर भगवान श्री जगन्नाथ जी को दूध पिलाने की कोशिश कर रहे थे और तभी भगवान श्री जगन्नाथ जी ने उस दूध को पीने लगते हैं। अगर आप ओडिशा में रहते हैं तो आप इनकी भाषा को समझ सकते हैं और ये रहा वो वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप भगवान श्री जगन्नाथ जी के सच्चे भक्त है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा। अभी से लेकर एक साल पहले नासा ने इस ब्रह्मांड की कुछ ऐसी तस्वीर निकाली जिस तस्वीर को देखकर नासा वाले ही क्या इस दुनिया का हर एक इंसान उसे देखने के बाद कांप उठेगा। अपने हबल टेलीस्कोप के वजह से नासा वालों ने ब्रह्मांड की एक तस्वीर निकाली और ये रहा उस ब्रह्मांड की एक तस्वीर। और ये तस्वीर पूरा का पूरा विष्णु भगवान जैसे ही दिखता था और नासा की इस तस्वीर को देखने के बाद आपको क्या लगता है यह आप हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों ये वीडियो इसी साल दुर्गा माता जी के पूजा के वक्त रिकॉर्ड किया गया था और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब एक पुजारी दुर्गा माता जी की पूजा कर रहा होता है तभी वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपको भी लगेगा दुर्गा माता जी आज भी हमारे बीच मौजूद है। दुर्गा परमेश्वरी वर गण नीडंदु शिरभागि नमिसुवे करवीर नीलेय पूजिपेने निन्ना पूजिपेने निन्ना जागे पुष्पगळिंद मूर्ज। जब वो पुजारी पूजा कर रहा होता है फिर तभी दुर्गा माता जी के पास से एक फूल नीचे गिर जाता है और ये सब देखने के बाद कई लोगों ने ये कहा कि ये सब दुर्गा माता जी का आशीर्वाद है और ये सब देखने के बाद आपको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप दुर्गा माता जी के सच्चे भक्त है तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बैल जो कि सारे आए हुए भक्तों को आशीर्वाद दे रहा होता है और गांव वालों का कहना है कि ये बैल एक नंदी का रूप है और इसके आशीर्वाद से सारे मनोकामना पूरे हो जाते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि बैल का जो मालिक है वो आपके सारे भविष्य बता देता है और ये रहा वो वीडियो। Thank you.
और क्या आपने भी इस बैल को अपने गलियों में देखा है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, भगवान को जानने के लिए सबूतों की नहीं सच्ची आस्था और दिल चाहिए। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले। फिर मिलते हैं अगले और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।